तीन कृषि कानूनों के का विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार बैठे हुए हैं और राज सिंह बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा और सोनीपत के आसपास की खाप पंचायतों की बैठक हुई है हमारे साथ किसान नेता बलदेव श्री साहु से करते हैं बातचीत आज जो बैठक हुई है उसमें अहम क्या मुद्दे रहे हैं और बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं देखिये जी जो आज बैठक हुई है वो बहुत अहम बैठक थी और जो ये आंदोलन सात महीने से लगातार शांत में चल रहा है और सबसे बड़ी बात है ये जो आंदोलन है ये हरियाणा के सहयोग से मैं ये कहने से संकोच नहीं करूँगा कि सात महीने से लगातार ये जो आंदोलन चल रहा है तो इसको हरियाणा ही चला रहा है और कुछ आदमी ऐसे हैं जो के शरारती तत्व हैं वो इस आंदोलन को चलते आंदोलन को देख के खुश नहीं है उनके पीछे जो आरएसएस एस या बीजेपी सोच काम कर रही है वो शरारती तत्व जो लोगों को भड़का रहे हैं कि ये आंदोलन जो है ये इससे लोगों को परेशानी हो रही है ये रस्ते बंद कर रखे हैं ये लोगों को मारपीट करते हैं ये करते हैं ऐसे लोगों को बहका के करते हैं तो उनके संबंध में यहाँ के जो इलाके के हैं जैसे राय ब्लॉक और जितने भी हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बहुत से जो साथ के गाँव हैं उनकी मीटिंग हुई है ये बहुत बड़ी तादाद में आज मीटिंग क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं आने वाले समय में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है सरकार के कुछ नेता भी कहते हैं कि किसान नेताओं के हाथ से जो आंदोलन फिसल चुका है देखिए सरकार ने तो ऐसी बातें करनी सर सरकार किसान इस सरकार ने हमारे आंदोलनकारियों को कौन सा दिन है जिस दिन बदनाम नहीं किया कौन सा दिन है जिस दिन इन्होंने हमारे खिलाफ कोई ना कोई मतलब के ऐसे शब्दावली माड़ी शब्दावली की वर्तो की इन्होंने तो शुरू से हमारे को किसान नहीं माना और आंदोलन हमारे हाथ से निकल गया तो किसके हाथ में गया वो कौन है उसका नाम तो बताएं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं आंदोलन हमारा बिल्कुल निरंतर सही ढंग से चल रहा है और आज जो हमने निर्णय लिए हैं वो ये हैं कि ये लोगों की जो जैसे मतलब कि जितनी भी खाप पंचायतें हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पर आए सरपंच नंबरदार मोजद नौजवान का के बहुत ये इस आज की मीटिंग में आए हैं और उन्होंने ये निर्णय किया कि जैसे सत्ताईस सोमवार को आज शनिवार है सोमवार को वो यहाँ पर एक मोटरसाइकिल गांव में मोटरसाइकिल मार्च निकालेंगे और गांव-गांव में हमारे कैंप भी लगेंगे जिसमें मेडिकल कैंप भी लगेंगे और हमारी पंचायतें भी होगी हम उनको मतलब के लोगों को समझाएंगे कि जो किसी के बहकावे नाम है ये मोर्चा जो है निरंतर शांतमय चल रहा है और शांतमय रहेगा ये बात ठीक है कि इस मोर्चे के कारण जो हमारे यहाँ आप ले लो के ये सिंगू बॉर्डर के दोनों तरफ जो बाज़ार हैं जो पीछे के एम पी से लेकर और आ, हमारी जो स्टेज चल रही है इन स्टेजों की तरफ जो हमारी स्टेज है इसके आगे की स्टेज है आगे तो चलो सरकार ने कंक्रीट दीवार निकाल दी लेकिन ये दोनों तरफ जो दुकानें है उन लोगों के कारोबार पर असर है बहुत असर लेकिन फिर भी वो लोग हमारे साथ हैं वो हमारी मुश्किलों को मानते हैं कि ये आंदोलन है जो ये केवल हमारे को परेशान करने के लिए नहीं ये लोगों के हित में है इसलिए वो परेशान तो है लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जितने बड़े बड़े माल हैं उनमें हमारी ट्रालियाँ खड़ी हैं और खुद हमारे साथ सहयोग करते हैं टी माल है सुधीर होटल है जितने भी हैं रसोई ढाबा है न जितने भी ये लोग हैं और बहुत सारे माल हैं वो सारे के सारे के है ये सारे लोग हमारे को बहुत सहयोग दे रहे हैं और आज की मीटिंग में ये तय हुआ कि इन लोगों की परवाह नहीं करनी और इनके खिलाफ़ ये जो षड्यंत्र सरकार के कहने पर रच रहे हैं इस ऐसे लोगों ने पहले भी जैसे शरारती अनसर यहाँ पर नौजवान लड़के आए नौजवान लड़कियाँ आए इस षड्यंत्र यहाँ पर हमारी झोंपड़ियों को गाकर गए और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो टिकरी बॉर्डर पर सोलह तारीख को एक आदमी कसार गांव का है जो कि पेट्रोल खुद उसने पंप से खरीद कर पचास रुपए का पेट्रोल बोतल में ले आके बोतल अपने सिर में डाल के उसने आग लगा ली और वो भी परचा वो भी केस जो है किसानों के ऊपर इन्होंने बन दिया आज हम एसपी से मिल के आए हैं और मैं खुद साथ था तो एसपी को हमने बताया कि वो कहने लगा हमने कहा कि सबसे पहले तुम ये देखो कि ये जो पेट्रोल पंप है उनके सी कैमरे लगे हुए हैं तो देखो भी पेट्रोल ख़रीदा किसने वो आदमी तो खुद खरीद रहा है और पचास रुपए का खरीद के ले जाता है पेट्रोल लेके जाता है बोतल में डलवा के जाता है वो एस पी ने को जवाब दिया कि वो कहते हैं कि हमारे पाँच दिन से जो ये सी सी टी कैमरे हैं ना ये घटनाक्रम से पाँच दिन के पहले खराब हुए मैंने उनसे ये कहा कि एस पी साहब ऐसी बात नहीं है ये है कि ये जो उन्होंने बोतल में पेट्रोल दिया लॉ के मुताबिक कोई भी पेट्रोल पाला वाला बोतल में किसी को पेट्रोल नहीं दे सकता उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये कह दिया कि हमारे कैमरे जो हैं बंद ये गलत बात है और जो वो फिर एसपी साहब बोले कि ये डॉक्टर के पास उनकी वीडियो बनी है हमने कहा डॉक्टर के पास तो बाद में बनी जो पहले उसको आग लगी और हमारे किसानों ने आग बजाई और उस वक्त जो कहता है कि हमारा घरेलू मसला और उसका भाई आता है वही कहता है हमारा घरेलू मसला है तो ये उनका घरेलू झगड़ा है उसकी तहकीकात की जाए ये किसानों का इससे कोई संबंध नहीं है और एस पी मना कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो वीडियो जो उसने पहले जो बोला है वो वीडियो मेरे पास आ गई तो हमने एप्लीकेशन दे के उनको भी वीडियो भी और भी दे दी हमने अपनी तरफ से भी दिया और वो दे के आए हैं तो उसने हमारे को ये कहा कि दो दिन का समय दे दो मैं तहकीक़त करके तो उसके बाद ये पर्चा जो है रिस्चार्ज कर अब करता है नहीं करता है, अगली बात है लेकिन उसको ये तय है कि ये षड्यंत्र पर हमारे ऊपर लगाया जा रहा है सो इस तरह के षड्यंत्र सरकार शुरू से करती आ रही है सरकार ने तो कहा नहीं है कि यह किसान नहीं है ये किसान के, के, हाथों से आंदोलन निकल गया अरे किसके हाथों में गया है ये 26 तारीख जून का हमने जो प्रोग्राम दिया है गवर्नर के माध्यम से हम राष्ट्रपति को रोष पत्र दे रहे हैं और रोस मार्च भी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है ये तो बताए इसलिए ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारा आंदोलन में चल रहा है और बिल्कुल पीसफुल है और हमारे हाथ में है किसानों का किसी का इसमें आंदोलन में कोई हाथ नहीं है ये हमारा देखिए बलदेव सिंह इन्होंने कहा कि आंदोलन किसानों के हाथ में है और लगातार आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे किसान यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है सोनी बच्चे पवन राठी पंजाब के सिटी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद